है खास हर अंदाज। रजस्थान ने कितने विश्वास के साथ आपको चुना है, मैं उनका विश्वास नहीं टूटने दे सकती, मुझे कुछ करना होगा। से बिना बताए विधि कभी कहीं को नहीं जावे। अच्छा एक बार फिर उसका दिल टूटा है, वही दर्द बर्दाश्त को नहीं कर पाएगी। आप दुल्हन है, देखिए हम एक दूसरे से अनजान हैं, बेहतर होगा हम बात ना करें। हाँ हाँ अनजान तो हैं, लेकिन शादी के जोड़े में एक लड़की अकेली बैठी, उसकी आंखों में आंसू है, वो परेशान है। आपको नहीं लगता बात करने के लिए इतनी जान पहचान काफी है? हाँ कहाँ चले गए थे आप, मुझे कितनी टेंशन हो रही थी, कितनी डर गई थी मैं, क्या क्या सोच बैठी, कोई करता है कैसे, कितना थक गई है, ले ये पी ले। अब होगी मारी बेला की शादी पुष्कर से और विदिता की शादी रंगीला से। अब आप वधू की मांग में सिंदूर भरिए। पछता रही हो मेरे साथ शादी करके? लगता है तुम्हारे लिए तुम्हारी फैमिली सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट है, मैं नहीं। फाइन बदल यू टर्न, वापस चलते हैं, तुम्हें तुम्हारी फैमिली के पास ही छोड़ देते हैं। आओ बेटा। ये सब क्या है? बहू का सामान है छोटे हुकुम। एक काम कर बदरी, इसे बाहर फेंक दे। आज से तुम्हारी लाइफ में बहुत कुछ बदलने जा रहा है। विदिता। वैसे आना तो आपको था, इस बार अश्विन जीजोसा ने जो चुना था। इस बार अश्विन जीजोसा ने जो चुना था मतलब? पिछली बार का फैसला किसका था? मेरा। विवेक से शादी करने का फैसला मेरा था। रात्र के पावन त्योहार में देवी की शक्तियों को क्षीण करने हेतु कंस करता है महासुर, महिषासुर की प्रतिमा का निर्माण। इस नवरात्रि धर्म का सर्वनाश होगा और अधर्म की होगी स्थापना। सांझी माता की कथा में श्याम के लिए सांझी के प्रेम और भक्ति पर लगाए जाते प्रश्न चिन्ह। कहाँ है तुम्हारे श्याम, बुलाओ अपने श्याम को। आज तुम्हें ये सिखाते हैं कि खुद को बदलते कैसे हैं। Perfect. मैं तो बस अब ये देखना चाहता हूँ कि कैसे बेला आपके किए की पूरी कीमत चुकाती है। बेला अब तेरी पत्नी है, तेरी जायदाद, कोई माने या ना माने लेकिन उस पर अब सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है। बेला ये कोई शादी थोड़ी ना हुई, मर्जी की तो छोड़, तू तो होश में भी नहीं थी। मैं इस तरह से तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ रंगीला, एक बात ध्यान से सुनो, शादी से पहले एक लड़की पर पूरा हक उसके परिवार का होता है लेकिन शादी के बाद सिर्फ उसके पति का। आप पहले दिन से जानती थी कि मेरा रिश्ता बेला के लिए नहीं विदिता के लिए आया है, फिर भी बार बार कोशिश करती रही कि किसी तरह यह रिश्ता टूट जाए और मेरी शादी बेला से हो जाए। आप किसी भी शर्त पे जीतना चाहती थी, इसीलिए आपने रंगीला को भी अपने प्लान में शामिल कर लिया। रंगीला के दिमाग में आपने आइडियाज डालने स्टार्ट किए। और तो और
आपने विदिता को किडनैप करा के रंगीला से शादी करवाने का और मुझे चीट करके बेला से शादी करवाने का फुल प्रूफ प्लान भी बनाया, याद है मासा? जब मैं विदिता से मिलने आपके घर आया था तब आपने चिल्ला चिल्ला कर पूरा घर अपने सिर पे उठा लिया था। क्या हो रहा थे? बीदनी, अश्विन, अरे देखो आठे क्या हो रहा है आधी रात को? अरे बिया हुआ कोनी, बिया होने वाला है। इसी हरकतों से ही छोरियों के रिश्ते टूट जावे हैं। तब तो मुझे सभ्यता और संस्कारों का बहुत लंबा चौड़ा भाषण दिया था आपने। आज पता चला कि आप कितनी संस्कारी हैं। आपको कभी मेरी फिक्र थी ही नहीं, आप तो बस अपनी बेटी बेला को महलों की राजकुमारी बना देखना चाहती थी। तो अब से मुझे भी आप माँ बेटी की फीलिंग से कोई लेना देना नहीं है। मैं तो बस अब ये देखना चाहता हूं कि कैसे बेला आपके किए की पूरी कीमत चुकाती है। पुष्कर बन्ना, मारे से जो बोला वो सही, पर मारी बेटी बेला के बारे में कुछ भी बोलने का आपको कोई हक को नहीं। हक? आपको क्या हक बनता था विदिता की जिंदगी से खेलने का, मुझे धोखा देके बेला से शादी करवाने का? मासा, दूसरों को उतनी ही तकलीफ दो जितनी खुद बर्दाश्त कर सको। मैं तो बस अब ये देखना चाहता हूँ कि कैसे बेला आपके किए की पूरी कीमत चुकाती है। बेला अब तेरी पत्नी है, तेरी जायदाद, कोई माने या ना माने लेकिन उस पर अब सिर्फ और सिर्फ तेरा अधिकार है। बेला, ये कोई शादी थोड़ी ना हुई, मर्जी की तो छोड़, तू तो होश में भी नहीं थी। मैं इस तरह से तेरी जिंदगी बर्बाद नहीं होने दूंगी। मैं हूँ ना तुम्हारे साथ रंगीला, एक बात ध्यान से सुनो, शादी से पहले एक लड़की पर पूरा हक उसके परिवार का होता है लेकिन शादी के बाद सिर्फ उसके पति का। रुद्र कुमार तेरा और उर्वशी की मांग का सिंदूर मिटा दे, मैं अपनी नाई के काम चली जाएगी। तुम्हें घर छोड़ के जाने की कोई जरूरत नहीं है, तुम इस घर की बहू हो, हक बनता है तुम्हारा इस घर पे। मेरी बात सुनो उर्वशी। नहीं, दुर्गा का विनाश तथा नवरात्रि के अवसर को नकारात्मक करने की कामना लिए महिषासुर रूपी कंस करता है महादैत्यों से गठबंधन। भगवान, आपका शत्रु वो काना है। हमारी शत्रु उसकी शक्ति राधा। सबसे पहले मैं काना की उस शक्ति को मारूंगा। शक्ति अवतार राधा, अब मैं देखता हूँ कि तुम्हें मृत्यु से कौन बचाता है। चाची लॉयर थी और तुम्हें कानून की बिल्कुल नहीं पड़ी। अफसोस तो हमको भी होता है, कातिल की बेटी पुलिस वाली कैसे बन गई? डैड ने जो केस मुझे सौंपा था वो बिलासपुर की प्रॉपर्टी का, उस प्रॉपर्टी पे एक लीगल घर बना हुआ है जिसे तोड़ने के लिए कोर्ट ने नोटिस भेजा है। आपको पता है उस घर में कौन रहता है? इंस्पेक्टर अग्नि और उनकी बहन डॉक्टर साक्षी। लेकिन दादी आज हमारे साथ गेस्ट हाउस जाएंगी। अरे दादी क्या, दादी का एक रुमाल भी तुम्हारे साथ नहीं जाएगा, हम दिखाते हैं। लो तो आज हम भी देखते हैं कि हमें दादी को ले जाने से कौन रोकता है। नफरत करते हैं हम इस बिजनेस पांडे से, इतनी नफरत की अगर इसके खानदान का कोई और भी मिल जाए ना तो उसको भी ना छोड़े। किसी भी हालत में इस कादिर को पता नहीं चलना चाहिए कि हम सब बीबी की फैमिली है। बिजनेस पांडे का फैमिली? साची साची तेरी नजरें एक दर्पण, देव मन की ये खबरें एक परचिन, अधरों ने कुछ ना